गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज जा रहे हैं हम रशिया की सबसे बड़ी जो रिवर है, वोल्गा रिवर, उसके पास, और उसके जो किनारे पे जो गार्डन बना है उसके पास। ये हमारी यूनिवर्सिटी है जो कि फ्लैट से थोड़ी दूरी के बाद ही है, और यहाँ पर सब तैयारी चल रही है 9 मई के लिए, जो विक्ट्री डे था और उसके लिए यहाँ पर सब तैयारी चल रही है। तो उधर चल के देखते हैं पहले, फिर उसके बाद रिवर साइड जाएंगे। लेट्स गो। यहाँ पर सब चेकिंग चल रही है, चेकिंग को ज्यादा सीरियस मत लीजिए, कुछ ज्यादा ही लेते हैं। जिसके पास बैग है उसी की चेकिंग, और सामने चल के देखेंगे, वहीं पे परेड चल रही है इनकी। ऐसी अभी प्रैक्टिस देख लिए, अभी इसके बाद जा रहे रिवर साइड, और चलिए दिखाते। तो ये वहीं पे आ गए जहाँ से एंट्री की थी, और यहाँ पे चेक इन हो रहा है, लेकिन निकलने का भी पता नहीं किधर से। आप क्या कहोगे, बहुत दिनों के बाद निकले घर से? जैसे कि आप घर से नहीं निकलते, छुट्टी हुई तो बस खत्म बात, बाहर निकलना ही नहीं है। कोरोना में आप भी घर से बाहर मत निकलिए, और ध्यान रखिए अपना। हाँ, और वैक्सीन लगवा लो। आपने लगा ली? हाँ लगा ली हमने वैक्सीन, अभी दूसरा डोज है हमारा, तो हम आपको दिखाएंगे अगली बार, अगली वीडियो में जब हम जाएंगे दूसरा डोज लेने के लिए। और पार्क में एक फाउंटेन यहीं पे है, देखिए क्या मस्त है। और इधर ही इसे क्या बोलते रे, तुम्हारे इधर क्या बोलते? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और ये बहुत ही महंगा है, इंडिया में से ज्यादा 10 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 150 रुपए का है, तो लेना नहीं है। देखो बहुत ही साफ है, और ये बॉडी जिम तो पता नहीं कितने दिन हो गए, बॉडी फ्लेक्स करते लोग। आदत है तुम्हें, बॉडी है, चर्बी है वो। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं, नीचे से देखते। चल 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 चल, आ जा। तो परसा झूलोगे आप उसमें? नहीं। क्यों नहीं झूलना? डरता है, डर लगता है। अभी तो बोल रहे थे कि हम उसमें भी घूमे जो 360 घूम रहा था। हम नीचे आ गए, ये वोल्गा नदी है यहाँ पे, और सामने पीछे का व्यू जहाँ से आए हम। अरे जहाज में तो बैठ सकता है ना तू? फिर वो सामने मिसाइल है। नहीं नहीं, अभी और सुनिए। मिसाइल नहीं है भाई साहब, इनकी का पंखा है। आहा, 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 यही वोल्गा रिवर है, और इस वोल्गा रिवर की वजह से ही इस सिटी का नाम वोल्गाग्राड पड़ा है। पहले इसका नाम स्टालिनग्राड था जब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू हुआ, लेकिन फिर इसका नाम स्टालिनग्राड से बदल के वोल्गाग्राड रखा गया, और इसी में शिप चलते हैं। अच्छे नदी, नदी कैस्पियन से को जाके मिलती है, जो कि नीचे जोर से बोल, फिर से बोल, रिकॉर्डिंग चालू है। तो ये बोट है यहाँ पे, ये पब्लिक बोट है, इसमें सब जा सकते हैं, लेकिन एक प्राइवेट बोट रहती है, और उसमें प्राइवेट पार्टी के लिए यूज होती है। अगर आपको किसी तरह बर्थडे पार्टी मनानी है, हाँ, तो आपको मिल सकती है रेंट पे 85,000 में मिलेगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी क्या इंडिया में चाइना वाले देते? लेके इंडिया में जो माँ बाप छोटे बच्चों को खिलौने देते, हाँ, सब मेड इन चाइना। रिमोट कंट्रोल होगा, 2 दिन बाद रिमोट कंट्रोल बंद, चौथे दिन से बच्चा पैर से धकेलेगा साइकिल। फिर जब बच्चा थोड़ा 1-2 साल का हो जाएगा बड़ा, मोटर से खेलेगा निकाल। जिसको मैं दिखाना चाहता था, वो जो पार्क है, फाइनली वो आ गया है। ये लाइटनिंग विद फाउंटेन्स,
और यहाँ पर पास में झूला है। कब झूलते थे तुम लोग यहाँ पे? मैं और एक मेरा दोस्त, मेरे सीनियर श्री पटेल, श्रवण पटेल। अच्छा, हम दोनों यहाँ पे सुबह सुबह जॉगिंग करने आते थे। हाँ। तो जॉगिंग कितने दिन? हाँ? दो दिन आए थे, दो दिन। अरे हम नहीं आते थे, ठीक है, पर ये चौड़ाओ के बोल रहे थे, ऐसे रोज आता था। दो हफ्ते आए थे क्या? दो हफ्ते आए हम, दो हफ्ते में दो दिन, एक घंटा जॉगिंग करते थे, आधे घंटे झूले झूलते थे और मस्त हरियाली देख के फिर घर पे आते। It was at this moment that he knew he fucked up. तो गाइस, जब हम दोपहर में आए थे, सूरज की रोशनी थी, तब भी खूबसूरत था, लेकिन रात का टाइम हो गया, अभी लाइटें भी चल चुकी है और रात को कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा है। लाइटें कुछ ज़्यादा ही चमक रही है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा है व्यू यहाँ का। तो गाइज, अभी हम आगे जा रहे हैं, आगे झूले हैं और उसके अंदर रेडियम की लाइट है जो कि रात को और भी ज्यादा चमकती है। Oh my God! Wow! तो उसमें झूलने में अलग ही मजा आता है। देखते हैं अगर वो लाइट है वहां पर, देखते हैं, चलिए दिखाते तुमको, बहुत ही खूबसूरत है वो भी। तो गाइज, हमारे अरमानों पे पानी फिर चुका है, जो सोचा था कि लाइट चलेगी उसमें, लाइट बंद है और दिल से बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। बहुत बुरा लगा, दिल से बहुत बुरा लगा, दिल से बहुत बुरा लगता है भाई। तो गाइज, ये पे व्लॉग का एंड करते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।